सीनियर डायरेक्टर रैंक प्रमोशन ट्रांजिशन। 1 अगस्त 2021 से पहले सभी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर को 19% सीनियर डायरेक्टर बना दिया जाएगा, यानी कि वो फिक्स है बाय डिफॉल्ट। जितने भी सीनियर डायरेक्टर हैं आप सब 19% पे फिक्स हो गए हैं, जो लोग भी 1 अगस्त तक बन जाएंगे इस महीने के आखिरी तक। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो 1 अगस्त 2021 के बाद गैल्वे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेंगे, जाहिर सी बात है उन्हें नए क्राइटेरिया के अनुसार सीनियर डायरेक्टर रैंक प्रमोशन लेना होगा। 1 अगस्त से पहले जिन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर लिया वो डिस्ट्रीब्यूटर 31 अक्टूबर तक, सेम टाइम है, सीनियर डायरेक्टर का भी 31 अक्टूबर तक था क्योंकि ये सब सिंक में है। तो आप भी 31 अक्टूबर तक चाहे तो पुराने वाले क्राइटेरिया के अनुसार जो कि 32,100 पीवी एक महीने के अंदर बिजनेस करना था, आप चाहें तो वो एक महीने के अंदर करके आप सीनियर डायरेक्टर रैंक का अपना ये लेवल अचीव कर सकते हैं। अगर आप 17% सीनियर डायरेक्टर रैंक हासिल करते हैं तो भी आपको 19% सीनियर डायरेक्टर का प्रमोशन दे दिया जाएगा। वो कैसे दोस्तों? वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो 1 अगस्त 2021 से पहले नेशनल मास्टर, याद रखिए नेशनल मास्टर या उससे ऊपर का आप लेवल अचीव कर चुके हैं, उनको अगर 1 PMB लेग क्वालिफाई है तो आप 17% सीनियर डायरेक्टर बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। एक बार आप नेशनल या उससे ऊपर के लेवल पे रहे हैं, 1 PMB आपने लगा लिया है तो 17% के लेवल पर बाय डिफॉल्ट आप आ जाएंगे, और अगर 2 PMB आपने लगा दिया है तो 19% सीनियर डायरेक्टर रैंक पर आप पहुंच जाएंगे। अगर आपने 3 PMB लगाया है तो आप 21% सीनियर डायरेक्टर रैंक पर बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे दोस्तों। तो ये एक बड़ा मौका है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने अगर पहले कभी मेहनत किया, अगर पहले आपने अपनी लाइनों में PMB लगवाया तो उसका बेनिफिट रिजल्ट आपको यहां पर मिलने वाला है दोस्तों। तो सरल भाषा में अगर बात करें दोस्तों तो आपको नेशनल मास्टर और साथ के साथ आपको अपनी PMB लगानी है अलग अलग लेग में, और जिनकी लगी हुई है वो बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। एक खास बात नीचे लिखा गया है, वे सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो 1 अगस्त से पहले नेशनल मास्टर से नीचे के रैंक पर हैं, उन्हें बिजनेस प्लान के तहत नेशनल मास्टर या उससे ऊपर का लेवल अचीव करना होगा। पहले तो ये समझ लीजिए, आप सभी को जो सीनियर डायरेक्टर रैंक पे आना चाहते हैं अपनी लैग को PMB क्वालिफाई करवाना होगा। अगर उनकी कोई लैग पहले से PMB क्वालिफाई है तो उसे कंसीडर किया जाएगा। यानी मान के चलिए आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मान के चलो डायरेक्टर रैंक के ऊपर हैं, मान के चलिए, और आपकी लाइनों में एक लाइन PMB लग गई है या आपकी दूसरी लाइन भी PMB लग गई है दोस्तों, ईश्वर की कृपा से आपकी 3 लाइन भी PMB लग गई है, लेकिन आपने आज तक नेशनल मास्टर या उससे ऊपर का लेवल नहीं अचीव किया तो आपकी उस PMB वाली कंडीशन को कंसीडर किया जाएगा। और जैसे ही आप नेशनल या उससे ऊपर का लेवल अचीव करेंगे, अगर 1 PMB लगी होगी तो आप 17% सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे, 2 PMB लगी होगी तो 19% सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे, और 3 PMB लगी होगी आपकी यहां पर, तो यहां पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक मिनट का ब्रेक दीजिएगा। तो अभी दोस्तों मैंने आपको सीनियर डायरेक्टर रैंक प्रमोशन ट्रांजिशन समझाया, यहां पर ये दोनों चीजें डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट का मतलब है कि आप अगर नेशनल बन गए हैं और आपकी PMB नहीं लगी है तो आप अलग महीने में भी PMB लगाकर आप इस रैंक को अचीव कर सकते हैं, यानी हर अलग अलग महीने के अंदर भी आप अचीव करके आप सीनियर डायरेक्टर रैंक 17%, 19% और 21% पे आ सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सीनियर डायरेक्टर रैंक प्रमोशन के लिए
ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। क्राइटेरिया दो है कि नेशनल भी बनना है या उससे ऊपर लेवल पर, और पीएमबी भी लगवानी है। तो जरूरी नहीं है दोनों एक महीने में हो। अगर आप नेशनल बन गए हैं या आपकी पहले पीएमबी लग गई है तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। और एक महीने में, एक लैग में आपकी पीएमबी लग गई, आप 17% पे आ जाएंगे। दूसरे महीने में, दूसरे लैग में पीएमबी लग गई और आप ऑलरेडी नेशनल है, आप 19 पे आ जाएंगे। और आपकी तीसरी लैग में भी पीएमबी लग गई और आप ऑलरेडी नेशनल है तो आप 21% पे आ जाएंगे। तो ये इस प्लान की ब्यूटी देखिए, कितना खूबसूरत ये प्लान बनाया गया है, कितना बढ़िया तरीके से कि इस जर्नी में आप नेशनल की तरफ भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और साथ के साथ आप सीनियर डायरेक्टर रैंक की तरफ भी जा रहे हैं। तो सभी उन लीडर्स को जो सीनियर डायरेक्टर रैंक की प्रमोशन के लिए फाइट कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आगे चलता हूं दोस्तों।